हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित नए हैक। और अगर आपको ये हैक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए, ये हैक कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हैक है मिक्सी को लेकर। अक्सर मिक्सी जार तो हम साफ़ ही कर लेते हैं, पर जो हमारी मिक्सी का नीचे वाला पोर्शन होता है वो इसी प्रकार रहता है। तो यहाँ पर हम लेंगे कोलगेट और ब्रश, और कोलगेट को हम ब्रश में ले लेंगे और इसे इस प्रकार लगाकर अब हम इसे साफ कर लेंगे। और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से इस प्रकार रफ़ कर लेंगे और हम देखेंगे जो इतनी भी मिक्सी में गंदगी लगी है वो साफ़ हो जाएगी। और जहाँ पर आपको ज़्यादा गंदगी लग रही है वहाँ पर आप थोड़ा सा नींबू का रस और लगाकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है गीला कपड़ा और गीले कपड़े से हम इसे साफ़ कर लेंगे। और यहाँ देखते हैं हम मिक्सी के कुछ जो बटन होते हैं वहाँ पर हमें पानी वानी नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए हमें ब्रश में कोलगेट लगाकर इसे इस प्रकार रफ़ कर लेना है और फिर गीले कपड़े की सहायता से इसे भी हम साफ़ कर लेंगे। ये हमने साफ़ कर लिया है और अब हम देखेंगे कि मिक्सी कितनी साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पर हमने जार लिया है। जार का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो हमेशा ही साफ़ रहता है, पर नीचे वाले पोर्शन में देखिए कितनी गंदगी लगी है। तो यहाँ हम कोलगेट को इस प्रकार लगाकर ब्रश की सहायता से और थोड़ा सा कागजी नींबू का रस मिलाकर इसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इस प्रकार इस ट्रिक से देखिए मिक्सी और मिक्सी का जार साफ़ हो चुका है। और आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगली ट्रिक है चीनी को लेकर। हम अक्सर अपने घरों में चीनी रख देते हैं और देखते हैं कि इस चीनी में अधिकतर चींटियां चली जाती हैं और इन चींटियों को हम कैसे निकालें, इसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित यह है कि यहाँ पर हमें ले लेनी है कुछ लौंग, और लौंग को हम रख देंगे एक टिशू पेपर में। आप इसके अलावा कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमने टिशू पेपर के अंदर लौंग को इस प्रकार डाल दिया है और इसे फोल्ड कर कर हम चीनी के डिब्बे के अंदर इसे रख देंगे। और इससे यह होगा कि जो चींटियां हैं वो इसके स्मेल से ही भाग जाएंगी। और इसके अलावा आप एक दूसरी ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा को बाहर से लगाकर इससे भी चींटियां नहीं आती है। अगली ट्रिक है बच्चों के लंच बॉक्स को लेकर। लंच बॉक्स काफ़ी छोटा होता है, उसमें चम्मच नहीं आ पाती है, तो हम चम्मच को कैसे एडजस्ट करें इसी से संबंधित यह ट्रिक है। तो यहाँ पर हमें लेनी है फॉयल, और फॉयल से हम इसे कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम देखते हैं कि इस चम्मच को हम बैग में इसे इसी प्रकार भी रख सकते हैं फॉयल से, क्योंकि ये कवर हो चुकी है, इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और साथ में अब हम लेंगे एक हेयर बैंड, तो टिफ़न में हम इसे इस प्रकार लगा कर हेयर बैंड से बंद कर देंगे और इससे यह नीचे गिरेगी भी नहीं। तो यह ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली ट्रिक है बर्तनों को लेकर। यहाँ पर हमने कुछ बर्तन लिए हैं, उन बर्तनों को जब हम साफ़ करते हैं तो जो इनकी गंदगी होती है वो नीचे की ओर चली जाती है और इसे हमें साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर हमने ले ली है इस प्रकार की एक जूट की थैली, और ये जूट की थैली को हम नीचे वाले हिस्से में जो पाइप वाला पोर्शन होता है उसमें लगा लेंगे। और इसमें हमने इसे इस प्रकार गांठ लगाकर बांध लेनी है। आप जब भी जूट वाली थैली ले तो पतली होनी चाहिए ताकि जो पानी है उसमें आसानी से निकल जाए। अब हम बर्तनों को साफ़ कर लेंगे, और बर्तनों को साफ़ करने के बाद जब हम इन्हें खंगाल लेंगे तो हम देखते हैं नीचे पाइप में जो हमने जूट की थैली बांधी थी उसे हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद हम एक इस प्रकार का डस्टबिन लेकर उसमें डाल देंगे और हम देखते हैं इसमें काफ़ी गंदगी निकली है। और यह ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली ट्रिक है दूध को लेकर। यहाँ पर हमने एक बर्तन में दूध लिया है, और जब हम इसमें चम्मच डाल रहे हैं तो चम्मच नीचे की ओर चली जा रही है। बार बार इसी प्रकार करने पर चम्मच नीचे की ओर चली जाती है और रुकती ही नहीं है। यहाँ पर हमने पिन ले ली है, और ये क्लिप हमने जो ली हैं ये कपड़ों पे लगाने वाली हैं। इन्हें हमें चम्मच में इस प्रकार एडजस्ट कर लेना है, और चम्मच में एडजस्ट करने के बाद इस प्रकार देखते हैं कि जो चम्मच पे लगाने के बाद चम्मच नीचे की ओर नहीं जाती है। और तो आपको यह ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी।
इन सभी ट्रिकों में आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई प्लीज़ चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।